फातिमा बेटा, मैं तुमसे जब भी कोई काम कहती हूँ तुम ये किताबें लेके बैठ जाती हो। मैं क्या क्या करूँ अकेली इस घर में? नहीं अम्मी, आपने मुझे जो भी काम कहे थे मैं करके आई हूँ। अभी पढ़ने बैठी थी, असल में कल मेरा एक टेस्ट है और पिछले वीक की 2 असाइनमेंट्स भी ड्यू थी, तो मैंने सोचा। तो घर का काम भी एक असाइनमेंट समझ के ही कर लिया करो। हद होती है काम चोरी की। अम्मी, हम कोई मेड क्यों नहीं रख लेते? मतलब अमेरिका में तो मेड्स मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेड्स की कमी नहीं है। मैं अपनी किसी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ। प्लीज, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई ट्रस्टवर्दी मेड मिलेगी तभी रखूंगी इस घर में। लेकिन जाओ अभी जाके किचन साफ करो। तरीका क्या है? खाना खाए और बर्तनों का हुजूम लगाकर आ गए, या फिर अब तुम लोगों ने मुझे अपना मेड समझ लिया? हाँ फातिमा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अबू। परेशान लग रही है? नहीं अबू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताओ ना, अबू। बोलो ना। कुछ नहीं अबू, मैं बस अभी पढ़ने बैठी थी तो मम्मी ने आकर फजूल में मुझे डांट दिया। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती हैं। देखो बेटा, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन अबू ऐसा ही है और बचपन से ऐसा ही है, आपको भी पता है। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ अम्मी कोई ना कोई काम दे देती हैं मुझे। राफेल को खाना दे, अब आलिया को उठा दो, वो सोती जा रही है। मतलब बर्तन तो कभी भी धुल सकते हैं ना अबू। नॉट लाइक मैं नहीं धोऊंगी कि मैं कोई काम चोरी करती हूँ, मैं खुशी से उनकी मदद करती हूँ हमेशा। पर पढ़ने का एक वक्त होता है, मुझे लगता है उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा, माँ के लिए हर औलाद एक जैसी ही होती है। मुझे ऐसा फील नहीं होता अबू। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो काम आलिया को भी कह सकती हैं, पर आलिया बैठ के फुर्सत से पढ़ती है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। इवन अगर आलिया की दोस्तें आई होती हैं उनको भी सर्व मुझे करना पड़ता है। मुझे ये बात फेयर नहीं लगती अब्बू।